हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार। कैसे हो? वेल, दिस इज माय विजन बोर्ड। एज यू कैन सी, ये मेरा विजन बोर्ड है। ओके, एंड दिस इज माय फेवरेट कोट ऑफ माय लाइफ, माय डेस्क इज द डेस्क ऑफ इंडिया। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो, राइट, इफ यू आर अ नेटवर्क मार्केटर, तो आपको बिगर लेवल, यू नो, ज़्यादा आगे का सोचना चाहिए। यू नो, ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स गलती कहाँ करते हैं पता है? वो सिर्फ अपने एरिया तक ही सोचते हैं, अपने शहर तक ही सोचते हैं। उससे आगे का सोचो, राइट? उससे आगे का सोचने के लिए आपको, यू नो, इंडिया लेवल पर सोचना ज़रूरी है कि इंडिया एक कंट्री है, राइट? उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 125 करोड़ लोग रहते हैं, 125 करोड़। वेल, उस पर एक मेरा खुद का भी एक बनाया हुआ डायलॉग है, राइट, जो मेरे ख्याल से अगर ये डायलॉग फेमस होता है, आई गेस, राइट, तो ये डायलॉग मूवीज में भी आ सकता है। या 100% श्योर, 1% भी कम नहीं, 100% श्योर। ये डायलॉग मेरा फेवरेट है और मेरा खुद का बनाया हुआ है। ओके, सो ये डायलॉग है, अगर 100 करोड़ की आबादी वाले देश में 100 करोड़ रुपया नहीं बनाया तो क्या बनाया? राइट? दोबारा रिपीट करना अच्छा लगता है, यू नो, आई फील गुड। अगर 100 करोड़ की आबादी वाले देश में 100 करोड़ रुपया नहीं बनाया तो क्या बनाया? ये दोनों मेरे फेवरेट क्वार्ट्स हैं, मोटिवेशनल क्वार्ट्स हैं, राइट, जो मैंने खुद ने बनाए हैं। मेरे करीब 30-40 मोटिवेशनल क्वार्ट्स मैंने बनाए हैं, राइट, और मेरी यूट्यूब चैनल भी है, मेरे नाम पर है, इट्स प्रज्ञेश परमार, राइट, मेरे नाम पर ही है, राइट। कैसा लगा? पहले तो ये बताइए कि ये मेरा विजन बोर्ड कैसा लगा, राइट, बताइए। और ये रहा मेरा वाइट बोर्ड और मेरी लाइब्रेरी है, राइट, सो थोड़ा आराम से बैठकर बात करते हैं। यस, सो मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जो ये वाइट बोर्ड आप देख रहे हो, यू नो, ज्यादातर आप एक चीज नोटिस करना, ये वीडियो, सॉरी, ये विजन बोर्ड आपको कोई मिडिल क्लास फैमिली में कम ही दिखाई देगा, वेरी फ्यू। क्योंकि वेरी फ्यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज का एजुकेशन बहुत अच्छा है, सो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि विजन बोर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट, सो ये विजन बोर्ड का इम्पोर्टेंस है, राइट, आप विजन बोर्ड अगर रखते हैं, विजन बोर्ड का मतलब क्या है? विजन बोर्ड वो चीज है जिस पर आप अपने ड्रीम्स रख सकते हो, आप अपना नेक्स्ट प्लानिंग रख सकते हो, आपका ड्रीम, यू नो, ड्रीम अगर रहता है, मान लो मुझे फॉर एग्जांपल 25 करोड़ रुपए का बॉम्बे में एक फ्लैट चाहिए, राइट, फ्लैट है 5 BHK फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी 2 ट्विन टावर्स बने हैं मेरे ख्याल से, उसमें ही अगर मुझे चाहिए 25 करोड़ का फ्लैट, मैंने उसके प्राइस भी पूछी थी, या इनफैक्ट इट्स 25 करोड़ रुपीस, तो यू नो, आपको टारगेट सेट करना पड़ता है कि डेडलाइन, यू मस्ट हैव अ डेडलाइन। डेडलाइन किसे कहते हैं? कि भाई एक तारीख मैंने डिसाइड कर ली, आज मेरी एज है 36, राइट, 37 रनिंग, मेरा टारगेट है कि अगर मैं 40 साल की एज तक पहुंच जाऊं तो मेरे बैंक अकाउंट में कम से कम 25 करोड़ रुपया होना ही चाहिए, 25 करोड़ रुपीस होना ही चाहिए, सो इसे डेडलाइन कहते हैं, राइट, सो इसके फॉर दैट पर्पस आपको ये विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, आज का जो वीडियो है, और हाँ, पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा एक नया माइक आ चुका है, राइट, जिससे मैं अच्छे यू नो यूट्यूब वीडियोस बना सकता हूँ, राइट, सो इसकी वॉइस क्लैरिटी कैसी है आप मुझे बताना। ओके,
इससे पहले का जो वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और उससे पहले भी मैंने दो तीन वीडियोस बनाए हैं ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे पाते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आइडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग करके मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी है, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। मैं 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ और अभी मैं एमवे बिजनेस कर रहा हूँ, ओके। वेल, अभी एमवे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? तो इससे पहले का जो मैंने वीडियो बताया है उसमें थोड़ा मैंने आइडिया दिया था, इसीलिए मैंने उस वीडियो का नाम दिया है आइडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ओके। सो इसमें मैं बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन? गुणाकार। जो भी आप काम करो अगर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो देन यू कैन मेक बिग मनी, बिग मनी, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, राइट। मल्टीप्लीकेशन आखिर होता क्या है? मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बनाने वाले थे आइंस्टाइन, यस आइंस्टाइन, आल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके। उन्होंने मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था और मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट में आखिर में ये कहा जाता है, मतलब दो गुना, यू नो, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, बत्तीस के 64, 64 के 128, राइट। इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ में मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं। आप मुझे बताइए, इन जनरल अगर आप मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, आप नेटवर्क मार्केटर नहीं है, राइट, तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। बट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप जहाँ पे भी जाते हैं, आप अपने यू नो मान लो कोई रिलेटिव के यहाँ गए तो उनको एक चीज़ बता देते हैं, यू नो, उनको काम सौंप देने का। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये अपना जो रिलेटिव है वो मेरे बारे में ये बोल रहा था, या यू नो इन जनरल की बात है, उनको जॉब की ज़रूरत है, या किसी को मैरिज, यू नो, मैरिज प्रपोजल की बात है, राइट। सो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आप इन जनरल लाइफ में मिडिल क्लास कहो या कोई भी लाइफ में कहो, आप मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर सकते हो। काम ऐसे करो कि वो मल्टीप्लाई हो, राइट। कहने का मतलब, सिंपल मतलब यही है कि काम इस तरीके से करो मल्टीप्लिकेशन हो, राइट। बट यू नो एक लिमिट आ जाती है, जनरल लाइफ में एक लिमिट आ जाती है, राइट। पर अगर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना ही पड़ेगा, राइट। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही टाइम मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे बिजनेसेस है जिसमें टाइम मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। टाइम मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है? टाइम इंटू मनी, राइट। टाइम इंटू मनी, या हाँ, टाइम, सॉरी, टाइम इंटू एफर्ट्स, मतलब कितने आवर्स, घंटे, कितने घंटे आपने काम किया है, राइट, इज इक्वल टू इनकम। तो इसे टाइम मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो टाइम मल्टीप्लिकेशन में यू नो अगर आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है तो आपको लोगों से मीटिंग करना ज़रूरी है, यू नो, लोगों को मिलना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मीटिंग्स करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिट। सो एक टारगेट लेकर चलना ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं तो बॉस, यू आर मेकिंग मिस्टेक। टारगेट्स एंड गोल्स आर नेसेसरी इन अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट। टारगेट्स एंड गोल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। उसके लिए मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, राइट। सो इसके लिए आपको आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, कमेंट बिलो दिस वीडियो, राइट, यूट्यूब वीडियो। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। चलिए मिलते हैं। डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड।